इसका कोई चरित्र ठीक नहीं, ये कहाँ कहाँ बहाना बनाती है, क्या बहाना बनाती है, मैं जा रही दूध दही बेचने के लिए, लेकिन ये दूध दही बेचने का बहाना से पता नहीं क्या कृष्ण के साथ में क्या खेल, किसने जाकर के किसको जटला कुटला को कान भर दिया, जटला कुटला कान भर दिया, जटला कुटला तो बिगड़ गई, जटला कुटला कौन है, लगता है तुम सब पंडित हो, बनाया इसलिए इसलिए जटला कुटला मतलब क्या, जटला मतलब होता है ना बिना कारण से जट पकाना, और कुटला मतलब होता है कुटकुट कुटकुट करना, देखना सास ननद होती है नी से बड़े कुटकुट करती है, कहाँ गई थी, क्या बात, क्या हो रही है, हैं? इसलिए ये चीज को ऐसे किसी ने बनाया, कहते कृष्ण जान बुझ कर, क्योंकि राधा रानी के साथ में अगर कृष्ण का मिलन अगर आसानी हो जाए ना फिर तो इसका कोई महत्व, जो कहते ना दुर्लभता है दुर्लभता, इसलिए जान बुझ कर ये लीला किसने जा करके शिकायत कर दिया जटला कुटला से, जटला कुटला तो बड़े क्रोधित हो गई हाँ, और राधा रानी का नाम पर बड़े बदनाम करने लग गए, बदनाम करने लग गए, तो इतने में राधा रानी जाकर कृष्ण को बोले मेरे नाम पर बड़ी बदनामी हो रही है, सारा दुनिया कह रहे चरित्रहीन कहाँ कहाँ घूमती रहती है, अभी कृष्ण बोले कोई चिंता नहीं मैं ऐसे काम करूंगा ना ब्रजमंडल में तुम्हारी नाम पूरा ब्रजमंडल में ख्याति हो जाएगा, अगर ब्रज में कोई सती हो तो केवल एक ही सती है, कौन है, बोलो राधा रानी, केवल राधा रानी सती है, इसलिए उन्होंने कृष्ण ने जान बुझ करके उन्होंने बुखार का लीला कर दी है, सर दर्द बुखार, वैद्य को बुलाए लेकिन कोई काम ही नहीं हो, जब काम नहीं हो इतने में कृष्ण स्वयं वैद्य बन करके दूसरे रूप में आए, बोले एक उपाय है इनके बुखार सर दर्द सही हो सकता, बोले कैसे, बोले ब्रज में जो कोई सती नारी हो ना, ब्रज में कोई सती नारी जिस कलश में 1000 छिद्र हो और कृष्ण का जो केस से बनाया जाए एक ब्रिज बनाया जाए, वो ब्रिज में सब नहीं चल सकते हैं, कौन चल सकता है, जो सती स्त्री वही चल सकती है, और वो जो 1000 जो छेद युक्त जो कलश में सब नहीं पानी भर सकते, कौन भर सकता है, सती बन सकता है, अगर ऐसे कोई स्त्री अगर हो ना, अगर वो पानी भर करके लाया जाए कृष्ण का स्नान कराया जाए तो सही होगा, अभी सारे ब्रज के सब स्त्रियां इकट्ठे हो गए, इतने में कृष्ण ने कहा देखो ये जो जटला कुटला है ना ये सबसे बड़ा अभिमान करता है, मैया और बेटी ब्रज में अगर कोई असली सती है ना, कौन कौन है, जटला और कुटला और कोई सती नहीं, हम दोनों माँ और जो बेटी है ना ब्रज में यही सती है और सबके सब असती है, इतने बोले पहले ही दोनों को बुलाया जाए, जब बुलाया जाए इतने में लाए तो उन्होंने जो केस से जो बना हुआ था ब्रिज, उन्होंने जो प्यार रखा ना तो गिर करके पूरा गिर गई जमुना, सब लोग तो हंसी दिलाई करने लग गए, फिर जो कलसी में जो उन्होंने पानी भरने के लिए पानी भरी वो पूरा का पूरा पानी निकल गया, अभी ब्रज में पता चल गया ब्रज में सबसे अगर कोई आसक्ति है ना कौन है, जटिला और कुटिला, ये सबसे बड़ा आसक्ति है, आसक्ति किसको कहते हैं, आसक्ति अटैचमेंट, असती और असती नहीं, असती यही है बेविचारिणी स्त्री है, इसलिए भागवत में बताया जीवा असती दारिद्र्य एव सुत नश्य उपगायंती उरुगाया गाथा, कहते असती कौन है, ये जीवा को कह रहे जिस जीवा में जो भगवान की कीर्तन को छोड़ करके दूसरे कीर्तन करते हैं वही असती है, इसलिए क्योंकि असली पति कौन हमारी है, कृष्ण है ना पति का जो पति पतिना जो पति है भगवान कृष्ण, अभी कृष्ण को छोड़ करके जिनका जीवा दूसरी बात करते वो सबके सब असती है, इसलिए असली सती तो राधा रानी जो कृष्ण, इसलिए उनका नाम है ही राधा जो कृष्ण को आराधना करती है, इतने में कोई अब जाने के लिए तैयार नहीं, एक तो बदनामी होगी अगर हम जाएंगे तो बदनामी हो जाएंगे, इतने में सिर्फ आधार बोले कोई है ब्रज में, बोले एक लगता है ये राधा रानी उनको बुला वही ये काम कर सकती है, अभी राधा रानी कृष्ण स्मरण करते बोले हे श्याम सुंदर अगर मैंने कभी भी तेरे सिवाय और किसको नहीं समझा, इसलिए ये जैसे एक बुद्ध पानी नहीं गिरी, राधा रानी कृष्ण का स्मरण करते हुए गई, जो केस से जो बनी हुई थी ना केस जो ब्रिज, राधा रानी वो ब्रिज ऊपर चलते हुए गई झारखंड पूरा जमुना को बीच में, उनने जो कलश को डुबा करके उठाया ना एक बूंद भी पानी नहीं निकली है, इसको देख करके जितने सब
ब्रजवासी थे, बोले बोले राधा रानी की जय, सबके सब ताली बजाने लग गए। प्रचार हो गया ब्रज में, अगर कोई एक सती नारी है ना, कौन है? राधा रानी। राधा रानी क्योंकि कृष्ण को छोड़ करके जो दूसरों को नहीं जानती है, इसलिए वही सती। फिर वो पानी से कृष्ण का स्नान कराया गया, फिर कृष्ण का बुखार सही हो गया। इसलिए यहाँ पर वृद्ध आते थे हम लोग, पहले हमारी परिक्रमा यहीं आती थी, हमारी परिक्रमा पहले यहीं आया करती थी, और यहाँ पर हम लोग प्रसाद पाते थे। जो शेरगढ़ वाले है ना, रूप सनातन गौड़िया बैठे जिनका है उनका ही ये जगह, पहले ये जगह हमारी गुरु जी को देना चाह रहे थे, लेकिन गुरु जी ने सोचा पता नहीं जंगल में जाकर कौन रहेगा, हाँ ब्रह्मचारी लोग, हाँ इसलिए गुरुदेव ने ये जगह को नहीं दिया है, लेकिन पहले ये स्थान हमारे गुरु जी को देना चाह रहे थे। उनका गौर ब्रह्मांड पानी 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 दे, तू क्या कर रहे हो? जाओ।